Hello guys, this is Mansi from Even Hadi George again. Now we're starting with question number 5 of exercise 14.6. So in this question we have construct with ruler and compasses angles of following measures. So aapko yahan pe different measures given hai, aapko inke angles construct karne with the help of ruler and compasses. So now the first angle is 60 degree. Dekho, abhi tak humne is exercise mein kuch angles construct kare, jaise humne 75 degree kiya tha, 90 डिग्री किया था, तो इससे हमें ये तो पता है कि 60 डिग्री एंगल है, 120 एंगल है, ये दोनों बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं. एंड 60 और 120 को जब हम बाइसेक करते हैं तो 90 डिग्री आता है. 90 डिग्री की बात हम बाद में करेंगे, बट हमने साथ में पढ़ा है बाइसेक्टर. बाइसेक्टर क्या करता है, अगर हम एंगल के बीच में बाइसेक्टर बनाते तो उस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो अगर आपने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो 30-30 होगा. मींस 60 से हम 30 डिग्री एंगल बना सकते हैं 60 को बाइसेक करके. सिमिलरली अगर आपने 90 डिग्री का बना दिया तो उसको बाइसेक करके 45 डिग्री का बना सकते हैं. सो ये कुछ एंगल्स हैं जो हम बाइसेक करके बना सकते हैं. इसके अलावा अभी हमने जो 75 डिग्री बनाया था वो हमने 90 और 60 डिग्री के बीच में बनाया था. लाइक हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, इन दोनों एंगल्स को बाइसेक करके 75 डिग्री आया. अभी 75 डिग्री कैसे आया था, देखो ये दोनों एंगल्स है, इसको ऐड करके अपॉन 2 कर दो, मींस इनका एवरेज निकालो. सो इसका एवरेज आएगा 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 6 इज 9, 10 15, सो ये आ गया 150 अपॉन 2, एंड 150 अपॉन 2 इज 75 डिग्री. सो दिस मींस दो नंबर का एवरेज अगर ये आ रहा है तो मतलब उन दोनों को जो बाइसेक करेंगे तो वो वाला एंगल आएगा जो उसका एवरेज होगा. जैसे 90 और 60 का एवरेज 75 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और 60 डिग्री के बाइसेक एंगल 75 डिग्री होगा. सिमिलरली इसी तरह हमने 90 डिग्री एंगल बनाते हैं जब हम 120 और 60 डिग्री के बीच में बाइसेक्टर बनाते हैं. सो 0 प्लस 0 इज 0, 6 प्लस 2 इज 8, देन 1, सो 180 अपॉन 2 इज 90. इसीलिए 120 और 60 के बीच का एंगल 90 डिग्री आता है. ठीक है, सो 60 डिग्री हमें पता है कैसे बनाना है, 30 डिग्री उसका बाइसेक्ट हो गया 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, 120 डिग्री भी सिंपली बन जाता है 45 डिग्री 90 का बाइसेक्टर. अब बचा 135 डिग्री. सो 135 डिग्री अब हमें देखने किन दो एंगल्स के बीच में बनेगा, मतलब आपको दो ऐसे एंगल्स निकालने हैं जिनका एवरेज 135 डिग्री हो. सो अगर हम 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री अपॉन 2 करें, मतलब 90 और 180 का बाइसेक्टर, सो दैट विल बी 0, 8 प्लस 9 इज 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, सो ये आ गया 1 प्लस 1 270 अपॉन 2, राइट. आप इसको अगर आप कट करोगे तो आपके पास आएगा 135 डिग्री, मतलब कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का जो बाइसेक्टर होगा वो होगा 135 डिग्री का एंगल. सो अभी जो हमने डिस्कस करे, हमने डिस्कस करे एंगल्स कैसे बनाएंगे, अब एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन कैसे होगी वो हम एक एक करके सारे एंगल्स ड्रॉ करके देखेंगे. ओके, सो लेट्स कम टू द कंस्ट्रक्शन. सो नाउ क्वेश्चन में हमने समझ लिया एंगल्स कैसे कैसे बनाने हैं, कौन सा एंगल किन दो एंगल का बाइसेक्टर होता है. अब बात करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन की. सो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 60 डिग्री. सो आपको 60 डिग्री का एक एंगल बनाना है. वी स्टार्ट विद अ लाइन सेगमेंट. सो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं. अगेन आप ये कितने भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हो. ओके, अब इस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के बाद वील यूज आर कंपास एंड देन इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे, इतना सा काफी है. ठीक है, सो इसको नेम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट ओ एंड लेट्स कॉल इट बी. ओके, नाउ ओ पॉइंट से आपको एक आर्क बनानी है लाइक दिस. किस तरह से, जैसे एक सेमी सर्कल होता है उस तरह से हमें आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस. नाउ अब ये जो आर्क है वो ओबी पे कट कर रही है इस पॉइंट पे, लेट्स नेम दिस पॉइंट पी. ओके,
आप जितनी आपने कंपास ओपन करी थी ये आर्क बनाने के लिए या ये सेमी सर्कल बनाने के लिए, इतनी ही इसको ओपन रखेंगे एंड देन पी पॉइंट से अपनी निडल रख के एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। ओके नाउ ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको, जिस जो ये बड़ी आर्क को छोटी आर्क जहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट से आप ओ को ज्वाइन कर दोगे। सो इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, नाउ लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। सो ए ओ बी इज 60 डिग्री। ये होता है हमारा 60 डिग्री का एंगल। ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सो दिस वाज आवर फर्स्ट पार्ट। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ हमें कंस्ट्रक्ट करना है 30 डिग्री का एंगल। सो अभी हमने फर्स्ट पार्ट में 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। अब 30 60 का हाफ होता है, मीन 60 डिग्री को अगर आप बाइसेक करोगे तो आपके पास 30 डिग्री का आएगा, राइट? सो आवर फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उसे बाइसेक करेंगे। सो लेट्स ड्रॉ लाइन सेगमेंट अगेन। इसका कोई मेजर नहीं है, कितने सेंटीमीटर की कुछ भी ले सकते हो आप। ओके नाउ लेट्स नेम इट ओ बी। सो अपनी कंपास की हेल्प से हमें थोड़ी सी इसको ओपन करके एक आर्क डालेंगे ओ पॉइंट से। सो ओ पॉइंट पे अपनी कंपास को प्लेस करके लेट्स ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। ओके नाउ अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपको इस पॉइंट पे कंपास को रखना है एंड देन ड्रॉ एन आर्क। ओके, ये है हमारा 60 डिग्री का। सो लेट्स ड्रॉ इट विथ डॉटेड लाइंस। सो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे ले जाएंगे। ओके, सो ये हो गया 60 डिग्री का। हमें बनाना है 30 डिग्री। सो इसको बाइसेक करना है। बाइसेक करने के लिए आप एक पॉइंट ये लोगे जो ओबी पे इंटरसेक्शन पॉइंट है बड़ी वाली आर्क का। सो यहां से वील ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। देन ये जो पॉइंट है यहां से आर्क बनाते हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट लाइक दिस अगेन इस वाली आर्क को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो इसको एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। ओके नाउ ओ को इस पॉइंट से हमें ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी है। दिस इज 30 डिग्री। अब ये जो आपके पास एंगल आई, आई नेम इट ए। सो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, सो दिस वॉज द बी पार्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ इन द सी पार्ट। सी पार्ट में हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का हमने एंगल एक बार पहले भी एक क्वेश्चन किया था उसमें ड्रॉ किया था। सो वी नो दैट 90 डिग्री का जो एंगल होता है दैट्स बिटवीन 60 एंड 120 डिग्री। मतलब 60 और 120 को बाइसेक करके हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले वील ड्रॉ लाइन सेगमेंट। सो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स नेम इट एज ओ बी। आप कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे एंड देन ओ पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। सो अपनी कंपास को ओ पॉइंट पे प्लेस करके हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है लाइक दिस। ओके नाउ ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पे अपनी कंपास को रखेंगे एंड देन एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो फर्स्ट आर्क है ये है 60 डिग्री की। सो ओ पॉइंट से इसको एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस। सो ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल। नाउ ये जो फर्स्ट आर्क थी इसी पे अपनी निडल को प्लेस रख के आगे एक और आर्क बनाएंगे हम लाइक दिस। सो ये है 120 डिग्री का। सो नाउ इस पॉइंट से यहां पे हम एक बनाएंगे लाइक दिस एंड ये होगा हमारा 120 डिग्री का। ओके सो अब हमें 60 डिग्री भी मिल गया, 120 डिग्री भी मिल गया और इसके ये दोनों पॉइंट्स में मिल गए। अब इन दोनों की हेल्प से हम 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो कंपास को थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, देन सबसे पहले इस पॉइंट से विल ड्रॉ एन आर्क, देन
विद दिस पॉइंट अगेन वन आर्क. ओके, सो नाउ आप ये जो आपके पास पॉइंट है आप ओ से इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. ओके, नाउ दिस इज 90 डिग्री. अब ये जो आपके पास एंगल आए इफ आई नेम इट ए, सो ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ओके, सो दिस वॉज द सी पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 120 डिग्री. अब हमने इतने सारे एंगल कंस्ट्रक्ट करे और बहुत बार हमने 120 डिग्री भी बनाया है. सो वी नो दैट 120 डिग्री का एंगल बनाना इज वेरी इजी. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले वील ड्रॉ लाइन सेगमेंट. एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे. लेट्स नेम इट ओ क्यू. नेम देते थे इस बार पी ओ क्यू बनाते हैं. ओके, सो नाउ वील टेक आर कंपास. इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे लाइक दिस. एंड नाउ आपको ओ पॉइंट पे अपनी निडल प्लेस करके एक आर्क बनानी है. सो ओ पॉइंट पे हम निडल रखेंगे एंड देन वील ड्रॉ एन आर्क. इस तरह से हमें आग बना लेंगे. अब ये जो पॉइंट है जो ओ क्यूब पे टच हो रहा है या ओ क्यूब को कट कर रहा है, इस पॉइंट पे हम कंपास प्लेस करेंगे अपनी एंड देन यहाँ पे एक मार्क करेंगे, एक आग लगाएंगे. दिस इज 60 डिग्री. अब इस पॉइंट पे जो 60 डिग्री वाला है आप चाहो तो इसको ज्वाइन करके लिख भी सकते हैं हम कि 60 डिग्री एंगल है. सो लाइक दिस, दिस इज 60 डिग्री राइट. अब यहाँ पे आपको 60 डिग्री से ये जो कटिंग आर्क है यहां से एक और आर्क डालनी है. दिस विल बी 120 डिग्री. इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपने ओ पॉइंट से फर्स्ट ये जो आर्क डाली थी उसके बाद कंपास उतनी ही ओपन रखनी है, देन ये बाकी की दो आर्क्स लगेंगी. सो नाउ दिस इज द ओ पॉइंट एंड इसको ज्वाइन कर देंगे. दिस इज 120 डिग्री. अब ये अगर मैं इसको पी नेम दे देती हूँ तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल्स टू 120 डिग्री. ओके, सो दिस वॉज आर डी पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द ई पार्ट. ई पार्ट में हमें 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है. अब देखो 45 डिग्री होता है 90 का हाफ. सो मींस पहले आप अगर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लो देन उसे अगर बाइसेक्ट करो तो आपके पास 45 डिग्री का आएगा राइट. सो दिस मींस 45 डिग्री बनाने के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा 90 डिग्री का. ठीक है, अब 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 60 डिग्री एंड 120 डिग्री का बनाना पड़ेगा बिकॉज 60 और 120 के बीच में आता है 90 डिग्री. सो दिस मींस ये चारों एंगल्स हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने हैं. लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वील ड्रॉ लाइन सेगमेंट. सो हमने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली. लेट्स नेम इट ओ बी. ठीक है, नाउ वील टेक आर कंपास. थोड़े से इसको ओपन करेंगे हम देन ओ पॉइंट पे अपनी निडल को प्लेस करेंगे. सो इस तरह से निडल को प्लेस करके वील ड्रॉ सेमी सर्कल और यू कैन से एन आर्क लाइक दिस. ओके, नाउ अब ये आर्क जहां इंटरसेक्ट करिए दिस पॉइंट, दिस इज पॉइंट, इसको नेम दे देते हैं एक्स. ओके, नाउ अब एक्स पॉइंट से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ करी है दिस इज 60 डिग्री. सो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल. सिमिलरली उतना ही इसको ओपन रखेंगे कंपास को एंड देन इस पॉइंट से एक और आर्क बनाएंगे लाइक दिस. नाउ दिस इज 120 डिग्री. सो ये हो गया 120 डिग्री. ठीक है, अब 60 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया. अब इन दोनों को बाइसेक करके हमें 90 डिग्री बनाना है. सो अब हम कंपास को थोड़ा सा और ओपन कर सकते हैं लाइक दिस एंड देन इस पॉइंट से एक आर्क डालेंगे देन इस पॉइंट से एक और आर्क डालेंगे जो इसको इंटरसेक्ट करेगी. अब जो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है
इससे हम ज्वाइन करेंगे लाइक दिस. नाउ दिस वन इज 90 डिग्री. सो अब 60 डिग्री भी आ गया, 120 डिग्री भी आ गया, 90 डिग्री भी आ गया. अब आते हैं अपने फाइनल एंगल पे विच इज 45 डिग्री. सो 45 डिग्री के लिए हमें 90 को बाइसेक करना है. 90 का पॉइंट यहाँ पे है एंड दिस इज जीरो. सो मीन्स ये पॉइंट और ये पॉइंट हम इन दोनों पॉइंट को लेके बाइसेक करेंगे. सो इस पॉइंट से वील ड्रॉ एन आर्क, देन फ्रॉम दिस पॉइंट इस पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करेंगे. नाउ वी नीड टू एक्सटेंड द आर्क. सो यहां से हम इसको एक्सटेंड कर देंगे लाइक दिस. नाउ अब ये जो आपके पास पॉइंट आया और ये जो ओ पॉइंट है, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे. नाउ लेट्स नेम इट ए. सो दिस ए ओ बी इज एंगल ऑफ 45 डिग्री, राइट? सो इस तरह से हम 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंपास से. सो दिस वाज द ई पार्ट. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. अब हमें बनाना है 135 डिग्री का एंगल. जैसे कि हमने क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए डिस्कस किया था, 135 डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में. सो दिस मीन्स अगर मुझे 135 डिग्री का एंगल बनाना है तो मुझे 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बनाना होगा. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाय ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट. सो लेट सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट, ठीक है? इसको अब हम नेम दे देंगे ओ बी. ओके, अब हमें पहले 90 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट? इन दोनों के बीच में बनेगा 135 डिग्री का. सो अपनी कंपास को हम थोड़ा सा ओपन करेंगे लाइक दिस एंड देन ओ पॉइंट से, यहाँ पे जो हमारा ओ पॉइंट है इसमें हम कंपास की निडल प्लेस करेंगे एंड देन वील ड्रॉ एन आर्क. इस तरह से आर्क ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है जो ओबी को कट कर रहा है, ये हमारा होता है जीरो डिग्री, ठीक है? सो दिस इज जीरो डिग्री. देन यहां से हम एक आर्क डालेंगे, दिस विल बी 60 डिग्री. ये जो हमें हमारी आर्क पे इंटरसेक्ट हो रहा है, दिस इज 60 डिग्री. तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. ओके, सो ये हो गया हमारा 60 डिग्री. अब इसके बाद अगर आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक और आर्क लगाओगे लाइक दिस, सो ये अब जो पॉइंट मिला हमें इंटरसेक्शन का, दिस इज 120 डिग्री. सो इसको भी ज्वाइन कर देंगे हम अगेन ओ पॉइंट से. अपनी लाइन एक्सटेंड करेंगे, सो दिस इज 120 डिग्री, ठीक है? 60 डिग्री आ गया, 120 डिग्री आ गया, 60 और 120 के बीच में अब आएगा 90 डिग्री. सो अब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जहां पे ये 60 डिग्री को हमने बनाया है, एक ये पॉइंट है जहां 120 डिग्री को बनाया. अब थोड़ा सा कंपास को एक्सटेंड करके हम यहां से फर्स्ट पॉइंट से आर्क ड्रॉ करेंगे, देन यहां से इस पे इंटरसेक्ट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अगेन इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल गया. सो अब हम यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस. सो दिस इज 90 डिग्री. अब 90 डिग्री आ गया, हमें चाहिए 180 डिग्री. 180 डिग्री क्या होता है? ये जो हमने ओबी लाइन सेगमेंट बनाया है इसको अगर मैं लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करूं, इस तरह से, सो ये जो आग बनाई थी पूरी, जो यहां पे हम बोलते हैं जीरो डिग्री, सो ये जो है यहां पे जहां ये कंप्लीट हो रही है मींस ये पॉइंट पे, दिस इज 180 डिग्री. ये जो पॉइंट है ये होता है आपका 180 डिग्री. 180 डिग्री का एंगल इस तरह से होता है. सो दिस इज 180 डिग्री. अब 180 और 90 के बीच में बनेगा 135. सो so,
90 डिग्री से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे लाइक दिस एंड देन 180 डिग्री से इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। नाउ ओ पॉइंट से ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो लाइक दिस सो दिस विल बी आर 135 डिग्री। अभी जो सॉलिड लाइन्स आया है इसको मैं ए नेम दे देती हूँ। सो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 135 डिग्री। ओके